कल दिनांक 13 तारीख को हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ा कुरा के आसपास कुछ लोग लूट की योजना बनाते हुए एकत्रित हुए हैं, जिसके आलोक में हम लोगों ने सदर SDPO श्री दिलीप खलको के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। उसमें पुलिस निरीक्षक सदर अंचल, साथ में थाना प्रभारी मुफस्सिल, थाना प्रभारी जीत पानी एवं अन्य पुलिस अधिकारी शामिल थे। इनके द्वारा उस क्षेत्र में छापेमारी शुरू की गई और जिसके क्रम में ग्राम ईचाकुटी से 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर एवं उनसे पूछताछ के क्रम में उन्होंने अपनी संलिप्तता विभिन्न कांडों में स्वीकार की और उनके पास से हम लोगों को 2 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल और पूर्व के कांड में यूज़ हुआ बड़ा चाकू, जिसको दावली के रूप में कहते हैं, दावली बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न घटनाओं में यूज़ किए हुए 2 मोटरसाइकिल भी हम लोगों ने बरामद किए हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने ढेर सारे लूट की कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिसमें मुख्य रूप से मुफस्सिल थाना में अंतर्गत मार्च एवं अप्रैल के महीने में घटित कुछ घटनाएँ हैं, जिसमें बंधन बैंक के कर्मी से पैसे लूटने की बात हो या एक महिला से 17,000 रुपये में लूटने की बात हो। उसके अलावा सदर थाना अंतर्गत जो बड़ी बाज़ार में एक महिला पर अटैक हुआ था, जिसमें 307 की धारा के अंतर्गत कांड प्रतिबंधित हुआ था, उस कांड में भी लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ जगन्नाथपुर में वर्ष 2020 में एक हत्या का कांड प्रतिबंधित हुआ था, उसमें भी इनमें से एक अपराधकर्मी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही इन्होंने उड़ीसा में चंपुआ थाना अंतर्गत मई के महीने में एक शराब दुकान में लूट की घटना कारित की थी, उसमें भी अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। तो कुल मिलाकर इनकी गिरफ्तारी से लगभग 7 कांडों का उद्भेदन हुआ है और इनके गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में भी हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके आलोक में हम लोग अग्रतर छापामारी कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी। और विशेषकर ये पूरे मुफस्सिल एवं सदर अनुमंडल क्षेत्र के लिए बहुत ही